आपके सामने रख रहे हैं। गौर करिए बड़ी वाली तस्वीर पर, सुरक्षा बलों के साथ भी हाथापाई, इनको भी नहीं बख्शा गया। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सुबह 7 बजे से ही हिंसा की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई थी। पश्चिम बंगाल में ये जो नीचे दूसरी तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये बम है, सड़क पर तमाम बम बरामद किए गए हैं। और कूच बिहार की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, बैलेट बॉक्स लेकर ही फरार हो गया ये शख्स। और अब ये तस्वीर देखिए, 6 तस्वीरें, किस तरह से हाथों में खुलेआम हथियार लहराया जा रहा है, लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं। मालदा की तस्वीर देखिए, बमबारी, आगजनी, सड़क जाम कर दिया गया, पुलिस से भी भिड़ंत, बैलेट बॉक्स की लूट। कूच बिहार में क्या हो रहा है, ये बैलेट बॉक्स आग के हवाले, कई बूथों को तोड़ा गया है, तोड़फोड़। दिनहाटा की अगर बात करें तो पोलिंग बूथ को वहां भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले आपको किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम दिखा रहे थे, बम बारूद के बीच पश्चिम बंगाल का चुनाव, और 501,000 रुपए में जब बम मिलेगा तो जवाब दे ही किसके, जिन हाथों में किताब होने चाहिए उन हाथों ने बम और बंदूक थाम रखे। और थोड़ी देर पहले राज्यपाल ने कहा कि चुनाव बुलेट से नहीं बैलेट से होने चाहिए, लेकिन उसका असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। 2 तस्वीरें, कोलकाता में बीजेपी का ये प्रदर्शन, महिलाओं को ये देखिए धरना प्रदर्शन किस तरह से, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में हिंसा बमबारी, बहुत बड़ा सवाल या निशान। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंसा की और तस्वीरें आ रही हैं, और अभी तो और बांगी है क्योंकि अभी 2:10 होने वाले हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक चुनाव है, लगभग 3 घंटे का अभी वक्त बाकी है, और इन 3 घंटे में देखिएगा क्या कुछ अभी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। ऋतिक, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू और इसी 7 बजे से हिंसा की तस्वीर भी आनी शुरू हो गई, पश्चिम बंगाल में इस वक्त भी टांडो है, आखिर जवाबदेही किसके और कहां कहां से हिंसा की तस्वीरें, सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित इलाका, ये डिटेल आप दर्शकों को दें। जा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है। दरअसल जिस इलाके में हम हैं दिनहाटा में है, लेकिन यहां पर देखिए बाकायदा बैरिकेडिंग करवाया गया है, और जिस तरीके से उनका काफिला धीरे धीरे यहां से गुजर रहा है बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मिनिस्टर है, MOS होम है, तो यहाँ से थोड़ी दूर उनके जो यहाँ पर चुनाव क्षेत्र है वहां पर वो गए थे वोट डालने, यहाँ पर वो अब घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल घेराबंदी बैरिकेडिंग जो है वो करवा दी गई है। दरअसल जिस तरीके से सवाल ये निशान सुबह से उठते आए, तमाम विपक्ष के दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या फिर लेफ्ट के पार्टी हो, वो यही आरोप उठा रहे, कहा है आखिरकार केंद्रीय बल, जो सेंट्रल फोर्स को की मांग की गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बाकायदा कोर्ट के हिदायत के चलते उसको तैनात किया गया है। शुरू से हम देख रहे हैं आज दिन भर इस दिनहाटा, जहां से लगातार खबरें आ रही है सेंट्रल फोर्स के मौजूद की नाके बराबर है, लेकिन यहां पर देख लीजिए फोर्सेज जो है यहां पर तैनात है। और ये दरअसल हमें समझ सकता हूं, ये जो इलाका है इसके उस पार जो दिनहाटा के उस इलाके में टेंशन है, तो इसको ताकि ये जो काफिला जो है वो यहां से गुजर रहा था, हालांकि वो इस तरफ चला गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी यहां पर घेराबंदी कर दी गई थी। तो मौजूदा मंजर इस तरीके से है। लगातार हम कुछ देर पहले MOS होम से बात की तो निशित प्रमाणिक ने हमें बताया, दरअसल ज्यादातर सेंट्रल फोर्सेस को जो है स्टैंड बाई रखा गया है, बहुत ही गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिस तरीके से मांग थी, तो उससे कई गुना ज्यादा जो सेंट्रल फोर्सेस की कंपनी तैनात किया गया है पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, लेकिन उनका ये आरोप है जानबूझकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और खासकर चुनाव आयोग, वो उनको स्टैंडबाई पर रखे हुए हैं ताकि वो ना पहुंच पाए। और मेरे पीछे आप ये जो देख सकते हैं, इसमें स्टेट पुलिस के जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, आला ऑफिसर्स बंगाल पुलिस के, वो ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप तीनों सहयोगियों का रुख करें, उसके पहले यह तस्वीर देखिए, खुलेआम, ये पश्चिम बंगाल है, हिंदुस्तान की सरजमी, और वहां पर खुलेआम अवैध हथियार लहराया जा रहा है, फायर करने की तस्वीर देखिए जरा। ये निर्दलीय उम्मीदवार पर ताना है तमंचा शख्स ने, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर देखिए जरा, हिंसा किस तरह से, जिसको जो मिल रहा हाथ में पत्थर फेंक दिया गया, देखिए जरा। और ये कूच बिहार की तस्वीर, अराजकता का माहौल है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये शख्स ऐसा लग रहा है जैसे ओलंपिक में इनको भागना है भाई साहब को, ये बैलेट पेपर, ये पूरे बैलेट बॉक्स को लेकर दौड़ पड़ा, ये भाग गया शख्स, फरार हो गया। और ये बैलेट बॉक्स, दूसरे हिस्से की तस्वीरें, जहां पानी में इसको फेंक दिया गया, और इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं।
जहां कुछ महिलाओं ने भी आपसी झड़प के बाद कई सारे बैलेट बॉक्स को उठाकर पानी के हवाले कर दिया। और एक और बैलेट बॉक्स आपको हम दिखा रहे हैं, ये हुगली की तस्वीर है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पंचायत चुनाव है, कहने को लोकल बॉडीज अभी छोटे स्तर पर सबसे ज्यादा ये चुनाव माना जाता है कि पंचायत चुनाव है, ये लोकसभा विधानसभा का नहीं है। हालांकि बंगाल का इतिहास उठा ले, पिछले कई दशक से यहाँ हमेशा से हिंसा का दौर देखने को मिला है, उस पर अंकुश नहीं। राजेश शाह के पास अब हम चलेंगे। राजेश, आपकी मौजूदगी कहाँ है और आपके इलाके में अभी क्या माहौल है, क्या तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, दर्शकों को आप अपडेट करें और तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर 2 ब्लॉक में, काठलिया जो गांव है उस गांव में मैं मौजूद हूँ। और आप देख तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ एक बूथ बनाया गया है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीका से अभी मतदान चल रही है। सुबह 7 बजे यह मतदान शुरू हुई थी, अभी भी जारी है। अभी 2:30 बज गए हैं लेकिन अभी भी शांतिपूर्ण तरीका से मतदान चल रही है। आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है अंदर, पूरा लाइन आप देख रहे हैं, काफ़ी लाइन पर चुके हैं, लाइन में खड़ा होकर सब मतदान के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आपका वोट हो गया क्या? ना ना कि नहीं आई, कोई यहाँ पे एक, एक, ना कोई दिक्कत नहीं है? ना ना, इसने कोई कोई पेट पेट कुछ किया? ना ना कोई नहीं, ठीक है। यहाँ कल कोई बमबाजी की गई थी, यहाँ कोई बम नहीं होगा कल? अब देख रहे हैं लाइन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे काफी सारे पुरुषों के लिए लाइन पहली बार हम देख पा रहे हैं। पहली बार आपके हवाले से हम देख पा रहे हैं कि दक्षिण 24 परगना ऐसा हिस्सा जहां पर चलिए कम से कम चुनाव जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, लोग लाइन लगाए हुए हैं और हिंसा की कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हुगली की है, पश्चिम बंगाल, बमबाजी, ये बीच सड़क पर ही बमबारी और सैकड़ों लोग भाग रहे हैं और मारपीट आपस में सब कुछ ये हमें देखने को मिल रहा है, झड़प, कार्यकर्ताओं की हत्या। अब उत्तरी 24 परगना हम आप सभी को लिए चलते हैं, वहां क्या अपडेट है बताएंगे अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। अनुपम, आपके इलाके में, चलिए उसके पहले भांगर से आप सभी दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, आपको हम दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट, देखिए जरा। इस वक्त भांगोर के जामिल गाछी में है, कुछ देर पहले दूसरे इसी इलाके में दूसरे जगह पे बम मारने की निशाने देखी थी। अभी फिलहाल ये बम है जो यहाँ पे हमारे सामने है, ये फटा है नहीं, ये जब गिरा था, जब फेंका गया था इसको पुलिस ने पानी में चुबाया और फिर अभी यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे यही स्थिति है फिलहाल, यहाँ की स्थिति जो है रैपिड एक्शन फोर्स लगाकर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर दिया गया है। लेकिन पास में ही एक पोलिंग स्टेशन थी जहाँ पे लोग अभी भी फिलहाल पोलिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों में बहुत ही गुस्सा है और बहुत ही डर भी है कि पोलिंग के दिन, चुनाव के दिन, उनके इलाके में जब ऐसा कोई घटना घटता है तो उनमें खौफ जो है वो समा जाता है।